कैटरीना कैफ आने वाले वक्त में बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस बनने वाली है। वो एक साथ आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के साथ फिल्म साइन कर चुकी हैं। वहीं अब खबर ये आ रही है कि करण जौहर ने भी कैटरीना को अपनी अगली फिल्म में साइन कर लिया। आखिर कैसे कैट की किस्मत चमकने का राज है, क्या होने वाला है आगे, आइए आपको दिखाते हैं। लो जी, इसे कहते हैं किस्मत। जब तक कैटरीना रणबीर कपूर के साथ रिलेशन में थी, हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनसे दूर भागता था, लेकिन जब से कैटरीना को उनके लकी मैन सलमान खान का साथ मिला है, उनकी किस्मत फिर चमक उठी है। एक तो सलमान के साथ वो 5 साल बाद फिर से फिल्म टाइगर जिंदा है में नजर आने वाली है, जो कि फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है, तो दूसरी तरफ आमिर खान के साथ फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी उन्हें रोल मिला है। तो वही खबरें ये भी हैं कि शाहरुख खान के साथ कैटरीना आनंद एल राय की फिल्म में भी नजर आएंगी। और तो और, सलमान की होम प्रोडक्शन फिल्म में भी कैटरीना फाइनल हो चुकी है, जिसमें कैट सलमान के जीजा जी आयुष शर्मा के साथ लीड रोल में नजर आने वाली है। वही हाल में एक और खबर आ गई है कि कैटरीना फिल्म मेकर करण जौहर की फिल्म में भी नजर आने वाली है। खास बात यह है कि इस फिल्म में उनके हीरो टाइगर यानी सलमान खान ही होंगे। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो करण अपनी इस नई फिल्म पर काम कर रहे हैं और वो कैटरीना और सलमान को लेकर फिल्म बनाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये वही फिल्म है जिसमें कैटरीना कैफ और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म ए दिल है मुश्किल के बाद फवाद खान को भारत में बैन कर दिया गया, जिसके बाद अब फवाद खान की जगह इस फिल्म में करण जौहर ने सलमान खान को फाइनल करने का मन बनाया है। सोर्सेज की माने तो करण सलमान से अपनी फिल्म पर जल्द ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल सलमान अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग में दुबई में बिजी हैं। इसकी शूटिंग से लौटने के बाद दोनों बैठकर इस नई स्क्रिप्ट पर चर्चा करेंगे और फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा। फिल्म कहानी दमदार होगी और साथ में कैटरीना का साथ होगा, तो हमें नहीं लगता कि सलमान फिल्म करने से इनकार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।